Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Cricbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. So, T20 internationals mein Ashubhai Ravichandran Ashwin ke naam hai 54 wickets. Unki upar hai Jasprit Bumrah 62 wickets aur Yuzvendra Chahal 63 wickets. Aaj agar Jasprit Bumrah 2 wicket apne naam karenge, to wo ban jayenge India ke liye highest wicket taker in T20 internationals. Aapne abhi tak jitna bhi inko dekha hai, क्या आपको लगा है और आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इनके चार ओवर से? देखिए, जसप्रीत बुमराह तो आप जब भी बात करते हैं, बहुत कम ऐसा देखने को मिला कि जसप्रीत बुमराह ना इनफॉर्म नहीं है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट भी की भी अगर आप बात करें, टेस्ट क्रिकेट में कई बार ऐसा भी हुआ है कि 2-3 मुकाबले ना जसप्रीत बुमराह को विकेट्स नहीं मिले हैं, 4-4, 5-5, चाहे 1 या 2 ली है, पर वो भी बड़े महत्वपूर्ण विकेट है। तो इसी प्रकार अगर आप यहाँ T20 मुकाबलों की बात करेंगे, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि जसप्रीत बुमराह ना लय में नहीं है। हाँ, एज ए गेंदबाज देखिए, आपको मैं 2 एग्जाम्पल यहाँ पे जल्दी से अगर हम बात करें, एक है रविचंद्रन अश्विन, एक है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ऐसा नहीं है कि हमें कुछ रोज कुछ नया करने को दिखा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह जब आप टाइम से आगे चलने की बात करते हैं ना, दुनिया ना बात कर रही है यॉर्कर की, स्लोर वन की, जस्सी अब यॉर्कर डालेंगे, अब स्लोर वन डालेंगे। जस्सी ने एट टाइम्स एबी डिविलियर्स जैसे बल्लेबाजों के सामने भी या एंडरसन जैसे बल्लेबाजों के सामने भी ना अच्छा समय देख के टप्पा पकड़ के निकल गए हैं कि वो उसको लग रही है टीवी में देखने में चीज सिंपल। तो मेरी तो हमेशा ये सोच रही थी कि जो चीज आपके पास है ना, पहले उसकी मास्टरी करिए, बाकी चीज आप ऐड करते रहिए। तो जसप्रीत बुमराह जिस दिन आए थे और अब अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं कोई 3 गेंदे और निकाल के ले आए हैं, स्लोर वन एक ही तरीके की डालते हैं। आपने कभी बैकवर्ड बैंड नहीं देखी, आपने कभी ऐसे नक्कल बॉल नहीं देखी। 1-2 बार ये वाला प्रयास जरूर किया, पर उतनी अच्छी अभी तक चली नहीं है, राइट। जो पहले दिन करते थे वही करते थे, उनकी मास्टरी और करके आ गए। तो जो रविचंद्रन साहब की हम अश्विन की जो हम बात कर रहे हैं ना, कि सब कुछ आप करिए, फ्लोटर ये और वो, और जो आपकी जो ऑफ स्पिन है, अगर आप पीछे जाएंगे उस पर भी इनको ना विकेट्स मिलती थी, जो ये अभी उस तरह उतना ध्यान नहीं दिया। तो जसप्रीत बुमराह मुझे नहीं लगता कि कभी कोई चिंता का विषय है, ये जसप्रीत बुमराह ऐसे करके ये ना लगातार ना बड़ी खराब कर रहे हैं गेंदबाजी। ये पूरा विश्व कप भी देख लें आप IPL भी देख लें मुंबई इंडियन के लिए। तो जसप्रीत बुमराह जब से आए हैं और उसके बाद बेहतर ही होते गए, और जो एक एक्स फैक्टर की बात करते हैं ना, वो जो अभी 1.5 साल 2 साल पहले जैसे एक्स फैक्टर थे, आज भी वैसे ही एक्सपेक्टर है। और इस पूरे टूर्नामेंट में भी जब भी उनके हाथ में गेंद आई है ना, क्योंकि मुकाबले कुछ इस तरीके के चले, न्यूजीलैंड के खिलाफ रन बने नहीं, एक बार जब आप डिफेंड कर रहे थे 150 रन तो बॉल गीला भी हुआ, इस्तेमाल उनका जब तक आखिरी में करने आया तब तक तो खेल खत्म हो चुका था। तो पिछले 2-3 मुकाबलों में ऐसी कोई चीज नहीं हुई कि आप बोलेंगे ना जसप्रीत बुमराह ने ना ये ठीक नहीं किया या ये बहुत एक्सेप्शनल किया है। जो अभी तक उनसे अपेक्षा रखी थी वो उन्होंने करके दिखाया।